नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। स्ट्रीट लाइट घोटाले के मामले में 2.5 साल पहले शुरू हुई थी विजिलेंस की जांच, अभी तक पूरी नहीं हो पाई जांच। भीषण गर्मी ने लोगों को किया परेशान, तापमान पहुंचा 39 डिग्री तक। मौसम विभाग के अनुसार 28 जून के बाद मिल सकती है गर्मी से राहत। 1 जुलाई से राज्य के स्कूलों के खुलते ही शिक्षकों को लगानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी, उसी के आधार पर मिलेगी अगले महीने की सैलरी। सीआईए 2 ने वीर नगर में फैक्ट्री के पास जुआ खेलते हुए 4 युवकों को किया गिरफ्तार, थाना चांदनी बाग पुलिस ने किया मामला दर्ज। एसडीएम ने ली अधिकारियों की बैठक, निर्देश देते हुए कहा बड़े स्तर पर शुरू करें सफाई का कार्य, शहर में कहीं भी नहीं होना चाहिए जल भराव। असंध रोड पर ट्रक की टक्कर से इको वैन चालक की हुई मौत, आरोपित ट्रक चालक सहित मौके से हुआ फरार, पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। पानीपत पुलिस की टीम ने बाइक व मोबाइल फोन चोरी करने की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 5 बाइक और 4 मोबाइल फोन भी बरामद। CIA 3 पुलिस की टीम ने खेतों से ट्यूबवेल की मोटर और अन्य उपकरण चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया काबू, आरोपितों से पूछताछ में हुआ 9 वारदातों का खुलासा। सेक्टर 25 स्थित जिमखाना क्लब के स्विमिंग पूल में डूबने से हुई थी युवक की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारी ने रुकवाई नाबालिग की शादी। कल एक टेलीफोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव रजापुर में एक नाबालिग लड़की का विवाह होने जा रहा है, तो जो कि कल ही उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा अपनी टीम को मौके पर भेजा गया था और पता चला था। फिलहाल जो है वो लड़की 7वीं कक्षा तक पढ़ी है और लेकिन उम्र का उस समय कोई दस्तावेज नहीं था, जो कि उन्होंने खुद बताया कि हमारी लड़की की उम्र करीब 17 वर्ष है। तो फिलहाल जो है वो कल शादी पर रोक लगा दी गई थी और आज जो है लड़का और लड़की दोनों पक्ष को कार्यालय बुलाया गया था आगे की कार्रवाई के लिए, जिसमें कि आज लड़का पक्ष भी पेश हुआ है और लड़का पक्ष जो है वो सोनीपत से है जो बारात आनी थी और उसने ये बताया कि उसकी उम्र करीब 23 साल के करीब है और वो जो शादी ये कर रहा था उसकी नानी द्वारा ये रिश्ता कराया गया था और उसे उम्र का नहीं पता था कि लड़की नाबालिग है। लेकिन जब हमारे द्वारा कल फ़ोन के माध्यम से सूचित किया गया था कि बारात नहीं लेकर आनी है, लड़की नाबालिग है, तो वो कल बारात लेकर नहीं आए थे और लड़के की नानी ने यह रिश्ता किया था और लड़के पक्ष द्वारा ये एक विश्वास में रिश्ता किया जा रहा था और लड़की पक्ष का ये कहना था क्योंकि गरीबी के चलते और क्योंकि लड़की के माँ और बाप जो है दोनों वो चिनाई का काम करते हैं और लड़की की सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए उनके द्वारा ये रिश्ता किया जा रहा था कि अपनी जिम्मेवारी एक तरह से वो टालना चाह रहे थे कि उसकी को कौन सुरक्षा प्रदान करेगा और इसलिए यह रिश्ता कल किया जा रहा था शादी। हाँ, फिलहाल जो है वो दोनों पक्षों द्वारा ये लिखित में बयान दिए गए हैं कि जब तक 18 साल की लड़की नहीं हो जाती है फिलहाल ये शादी नहीं की जाएगी और आगे की कोर्ट प्रक्रिया के लिए उनको जो है 7 जुलाई को कार्यालय बुलाया गया है। लड़की अपने घर जाएगी, लड़की अपने घर जाएगी क्योंकि माँ बाप के द्वारा ये लिखित में अंडरटेकिंग दी गई है कि तब तक वो लड़की को अपने पास रखेंगे और लड़की उनके पास सुरक्षित है और दूसरी तरफ से हमारे द्वारा भी एक तरह से वॉच रखा जाएगा कि लड़की ठीक है या नहीं है और लड़की भी अपने माँ बाप के पास जाना रहना चाहती है, उसको अपने माँ बाप से कोई खतरा नहीं है। कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं? नहीं, कानूनी कार्रवाई जो बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो अमल में लेकर लाई जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार।